डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेशन। मीन्स कॉन्जुगेशन क्या होता है, प्लस ये कितने टाइप्स का होता है, प्लस हम इनके एग्जांपल्स की आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन हमारे पास होता है कि जब थ्री एंड मोर देन थ्री ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन का फॉर्मेशन होता है, या फिर इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, या फिर इस टाइप के अरेंजमेंट में कॉन्जुगेशन होता है। मोर देन थ्री ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच अदर देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये तो कॉन्जुगेशन हो गया कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, और ये कितने टाइप्स का होता है ये देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक तो इस टाइप का हो सकता है जिसमें पाई पाई हमारे पास प्रेजेंट हो। ओके, सेकेंड होता है पाई ऑफ पी वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, इस टाइप का भी कॉन्जुगेशन होता है। थर्ड होता है पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ठीक है, फोर्थ होता है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। फिफ्थ होता है हमारे पास पाई और यहाँ पर निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इतने टाइप का हमारे पास कॉन्जुगेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच और डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, इस टाइप का एक हमारे पास अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है क्या इस टाइप के अरेंजमेंट में कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि थ्री और मोर देन थ्री ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर हमारे पास अभी मैं आपको शो करूंगी कि ऑर्बिटल्स क्या है। ठीक है, पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर एटम्स प्रेजेंट है तो थ्री ऑर्बिटल्स तो होंगी ही। ओके, और यहाँ पर पाई पाई सिस्टम दिख रहा है, मैं यहाँ पर पाई दिख रहा है, यहाँ पर पाई दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्जुगेशन हो जाएगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। किस टाइप से होता है कि ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कैसा है, सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर सी एच और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सी एच टू, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से ये कॉन्जुगेशन हमारे पास हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको फर्स्ट वाला कॉन्जुगेशन बताया जो इस टाइप से होगा। अब हम सारे ही टाइप के कॉन्जुगेशन की वन बाय वन स्टडी करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया था जिसमें मैंने आपको पाई पाई कॉन्जुगेशन बता दिया है। अब पाई और पी वैकेंट ऑर्बिटल का देखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा सी एच टू डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एच, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी एच टू और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस टाइप से। अब अगर हम यहाँ पर कॉन्जुगेशन देखें, ये हमारा सेकेंड वाला, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आ सकता है, हमारा यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी एच टू, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी एच, ये डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, ये हमारा हो गया पाई पी वैकेंट। यहाँ पर क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल होगी। मैं आपको वैकेंट ऑर्बिटल बताती हूँ कि किस टाइप से होगी। जैसे कि हमारे पास एक एल्किन सिस्टम दिया हुआ है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, इस टाइप से। और अगर हम कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स होता है, तो यहाँ पर इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, वन एस टू टू एस टू और टू पी टू हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये इस टाइप से ये और यहाँ पर ये एक एक और ये, यहाँ पर इसके जो पी ऑर्बिटल होती है ये कैसी होती है, वैकेंट होती है। यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा। बस ये वाली जो ऑर्बिटल होती है ये कैसी होती है, वैकेंट होती है। तो वैकेंट ऑर्बिटल ही क्या करती है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। कैसे करती है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये कार्बन हो गया हमारा। ठीक है, ये दो ऑर्बिटल मैंने इस टाइप से शो कर दी। ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर क्या हुआ होगा, इसकी कैसी लोब आई होगी, पी ऑर्बिटल की, इस टाइप से। और हाइड्रोजन की क्या, वन एस वन होता है। ठीक है, तो कौन सी, स्पेरिकल, इस टाइप से आई होगी। यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई होगी। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड के इस टाइप से फॉर्मेशन होगा। अब हमारी कौन सी ऑर्बिटल बची है, ये वाली वैकेंट ऑर्बिटल बची है, तो इसको हम इस टाइप से शो करते हैं। जब हम हायर स्टडी करते हैं तो वहां पर हम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, हम किस चीज का शो करते हैं, इसको ऑर्बिटल बना के शो करते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड तो इसी टाइप से रहेगा, ऐसे सेम यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये वाला इस टाइप से यहाँ। तो यहाँ पर क्या हुई होगी, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई होगी, जिस वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या है,
कि यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है कि ये जो पी ऑर्बिटल है ये यहाँ पर वैकेंट है, और यहाँ पर ये प्लस चार्ज क्या शो करता है कि पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो था बट वो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, पाई पी वैकेंट ऑर्बिटल का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मैं पाई जो पी ऑर्बिटल थी वो कैसी हो गई थी, वैकेंट हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो वैकेंट हुई तो उसके पास स्पेस आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेने का, तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है, इस टाइप से ये कॉन्जुगेशन होता है। ओके, और एक और चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि ये सारी ही जो है वो किस प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके प्लेन में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको और ये जो पाई लोन पेयर का है इसमें और डिटेल में बताएंगे कि कैसे ऑर्बिटल्स को एक ही प्लेन में होना जरूरी होता है, अगर ये एक ही प्लेन में नहीं होंगे तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन होना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पाई और इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आ गया, ये इस टाइप से और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो किस टाइप से बनेगा, इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया C, यहाँ पर ये H, यहाँ पर H, इसकी मैंने ये बना दी P ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद C, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पर ये P ऑर्बिटल बना दी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मैंने एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी बनाया है, तो मीन्स यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस टाइप से यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर इस टाइप से प्रेजेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी भी एक पी ऑर्बिटल होगी, तो यहाँ यहाँ ऐसे आपस में शेयरिंग हुई और यहाँ यहाँ इस टाइप से आपस में शेयरिंग होती है, ठीक है। इस वजह से इनका एक प्लेन में होना जरूरी होता है, क्योंकि जब ये सेम प्लेन में होते हैं तो इतना फास्ट कॉन्जुगेशन होता है, मीन्स यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ 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 और ये वाले यहाँ यहाँ इतना फास्ट रोटेशन करते हैं कि जहां पर कॉन्जुगेशन नहीं होता है वहां भी होने लगता है। जैसे कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड था बट यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन होने लगा, क्यों होने लगा, क्योंकि ये सेम एक ही प्लेन में थे, तो जैसे कैरेक्टर इस वाली ऑर्बिटल में थे वैसे इसमें आ गए और वैसे इसमें आ गए, तो हर जगह पार्शली डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट उसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस टाइप से ये आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो किस टाइप से ड्रॉ होगा, यहाँ पर सी एच, यहाँ पर 2, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये सी, यहाँ पर सी एच, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये सी एच टू, इस टाइप से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ होगा, ठीक है। और हमेशा कॉन्जुगेशन में याद रखना है जितने चार्ज, नेट चार्ज हमेशा जीरो रहता है, मगर यहाँ पर जैसे एक प्लस चार्ज है, तो अगर आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वहां पर भी एक चार्ज रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर चार्ज नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर न्यूट्रल स्पेस ही है तो न्यूट्रल रहेगी, अगर चार्ज स्पेस ही है तो वो चार्ज स्पेस ही रहेगी, उसका चार्ज का जो एटम है वो चेंज हो सकता है, यहाँ पर इस वाले कार्बन पर था, यहाँ पर इस वाले कार्बन पर आ गया, ये चेंज तो हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि ये वाला एटम यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो इसका चार्ज ही चला जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेस ही में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर भी इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर नहीं पाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। इस टाइप से आपको ऑर्बिटल डायग्राम से भी ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लोन पेयर का, देखते हैं कि लोन पेयर का क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी एच टू डबल बॉन्ड, यहाँ पर सी एच, और यहाँ पर ये आ गया हमारे पास एन एच टू, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर हमने लोन पेयर के लिए इसका एटम चेंज कर दिया, एटम चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करता है, लोन पेयर्स को रखता है, ठीक है, इसीलिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला हमारा यहाँ पर आएगा और ये इस टाइप से यहाँ पर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर सी एच टू सी, यहाँ पर एच, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा NH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अब इसका अगर हम
ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, सी स्पेस टाइप से आ जाएगा, यहाँ एच और यहाँ ये एच, यहाँ सी, यहाँ पर भी ऑर्बिटल इस टाइप से और ये एच, यहाँ पर ये, यहाँ पर एन, यहाँ पर ये इस टाइप से और ये इसके पास क्या थे लून पर, ये एच और ये एच, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने आपस में शेयरिंग कर ली और यहाँ पर इसमें आपस में शेयरिंग कर ली है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका यहाँ पर कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी यहाँ पर इस टाइप से, इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि एक सेकेंड में कहो मिलियंस टाइम हो जाए, ठीक है, इतना ज्यादा फास्ट होता है ये, ओके। तो इसको तो हम इस टाइप से शो करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी एच टू, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी एच डब, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर सी एच टू, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये वाला चार्ज यहाँ आएगा, ये वाला चार्ज यहाँ आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सी एच टू, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये सी एच, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये सी एच टू, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे जो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन हो गया कि हमारे पास फाइव टाइप्स के कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं की वजह से रेजोनेंस होता है। जब आप लोअर क्लास में थे तब आपने स्टडी की होगी कि रेजोनेंस कैसे होता है अगर इनमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, एक ये हमारा कॉन्जुगेशन होता है, एक पाई सिग्मा लोन पेयर होता है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और आपने वैकेंट ऑर्बिटल का भी पढ़ा होगा, अगर प्लस चार्ज हो पाई सिग्मा, यहाँ पर ऐसे प्लस चार्ज हो, इस टाइप के कॉन्जुगेशन आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे। और हायर क्लास में अगर आप आते हो, एमएससी करते हो, बीएससी करते हो, तो उसमें भी इस टाइप से आपको कॉन्जुगेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जब हम रिएक्शंस वगैरह करते हैं तो उसमें काफी हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग के कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा।